नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग UPSI बैच को लेकर निरंतर तरीके से क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी हमने आज आपके लिए एक नया टॉपिक रखा है जो कि आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे थोड़ी हम इसकी आप चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप न्यू पॉलिसी के बारे में, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में अगर आप पढ़े होंगे, अगर वहां से आपको चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो देखिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वहां से आपके पेपर में जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे यहाँ से उसकी भी चर्चा साथ साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका है एनपीई अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है 2020, इसके बारे में थोड़ी सी हम विचार विमर्श करेंगे आज आपके साथ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर वीडियो में आप लोग बहुत कमियां दिख रहा है आपका सामने कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में आपको देखो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो है क्या और उसके बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उसी को हमने इस व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने लिखा है। और यहां से मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएगा या इससे रिलेटेड एग्जाम में पिछले कई एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और अगर कोई टेट, सुपर टेट या सी टेट अगर इसकी भी तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ ले। और आज के बाद से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस नई शिक्षा नीति में। साथ साथ मैं आपको जो नोट्स यहाँ पे लिखा हूँ, जो कंटेंट आपको लिखा हूँ, कोशिश आप ये करिएगा कि मेरे साथ साथ उसे आप अपने नोटबुक पर भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नई शिक्षा नीति है, अभी आपको पता है कि नई शिक्षा नीति को जो मंजूरी दी गई, इसकी जानकारी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से दिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पता है कि मानव संसाधन जो विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और एक बात याद रखना कि उन्होंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से नई शिक्षा नीति के बारे में बताया। साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी हमारे जो मानव विकास मंत्री हुआ करता था, मानव संसाधन विकास मंत्री या मानव संसाधन जो मंत्रालय हुआ करता था, उसी को आज हम शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब जानेंगे, अर्थात उन्हें अब शिक्षा मंत्री के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखना उसका नाम बदलकर जो किया गया वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको स्वीकृति कब मिली, ये डेट आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मिली आपको 29 जुलाई 2020 को इसकी स्वीकृति दी गई है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी स्वीकृति डेट याद है 29 जुलाई 2020 को इसकी स्वीकृति मिली है, लेकिन अभी आपको यह पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है, लेकिन अभी यह संसद से पारित नहीं हुआ है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि संसद इसे पारित कर देगा, क्योंकि संसद में आपको पता है कि जो आपकी बीजेपी है वो बहुमत में है, और इस बहुमत के आधार पर ये ऐसा ही लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद से भी आसानी से पारित हो जाएगा। लिखा कि नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी, अर्थात जो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को रिप्लेस करके आई है। मतलब अब तक हमारी बात करें तो हमारे देश में 3 बार नई शिक्षा नीति अब तक लाई जा चुकी है। एक 1968 में लाई गई थी, एक 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में लाई गई थी, और एक अभी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लाई गई है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि 34 साल जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी उसे रिप्लेस करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कितने साल पुरानी थी, तो 34 साल पुरानी थी। अब आगे लिखा है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE। मैं आपको बता दूं, अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क पढ़े तो वहां पे लिखा है 21 क, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसके तहत भारतीय संविधान में एक आर्टिकल को जोड़ा गया था, और उस आर्टिकल का नाम था 21 क, और उसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये
निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो कि आप पढ़ते हैं मौलिक अधिकार में, और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का अधिकार है वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है, तो यह भी बात आपको ख्याल रखना है। ठीक है, लिखा संशोधन 2002 द्वारा 21 क को जोड़ा गया था, तो उसमें मैंने बता दिया क्या था। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए ध्यान से समझिएगा, जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी, और आपको पता है कि जो इस अधिकार जो संशोधन हुआ था उसको व्यवहारिक अधिकार रूप से देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया था। 2009 में एक अधिनियम पारित हुआ और इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न अगर आप यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे 2018 में, तो वहां से प्रश्न लिया गया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2009 में पारित हुआ था और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, और किसके ऊपर बात की जा रही थी, तो ध्यान रखिएगा जो 2002 में निःशुल्क शिक्षा अधिकार के लिए संशोधन हुआ था उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था। अब इसी को आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इसके नीचे की बातों को समझिए। इस अधिकार के तहत 8वीं तक के विद्यार्थी, कब तक की 8वीं कक्षा, 8वीं तक के विद्यार्थी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। मतलब कहीं ना कहीं इस अधिनियम में कौन सा अधिनियम था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जो नई शिक्षा नीति 2020 में इसे बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाएगा। यह भी बात आपको ध्यान रखना है, जो कक्षा 8वीं तक था वो अब कब तक हो जाएगा, कक्षा 12वीं तक के लिए प्रावधान कर दिया गया है इस नई शिक्षा नीति में। तो इसे भी आप ख्याल रखें कि जो कहीं ना कहीं 8 कक्षा 8वीं तक के लिए था, अब इसे बढ़ाकर कितने मतलब कक्षाओं के लिए किया गया है, तो 2000 आपका सॉरी 12वीं कक्षा तक कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे यहां से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है इसको समझिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली जो शिक्षा नीति थी 1968 में थी, और दूसरी जो शिक्षा नीति थी वो 1986 में, और जो तीसरी नई शिक्षा नीति आई है वो 2020 में आई है। अब यहां से आपको 2020 में समझ में आ जाएगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में, कब, जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। यह पेपर में आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो आपको पता है कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष रहे, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां के वो चेयरमैन रहे थे, उन्हीं की अध्यक्षता में जून 2017 में केंद्र सरकार ने इस समिति का गठन किया था। और इस समिति ने, ध्यान समझिएगा, जिन्होंने मई 2019 में नई शिक्षा नीति का मॉडल क्या किया, तैयार किया और केंद्र सरकार को सौंपा, और केंद्र सरकार को 2019 में इन्होंने मॉडल तैयार करके सौंपा था, और केंद्र सरकार ने इसे 29 जुलाई 2020 को क्या किया, मंजूरी प्रदान किया। समझ में आ गया। चलिए अब यहां से हम देखेंगे पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। देखिए दोनों को अंतर अगर आप समझ लेंगे तो आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं सीधे यूपीएसआई के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, वो ध्यान से समझेंगे। आपके पेपर में आएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो वहां से 1986 की भी शिक्षा नीति से थोड़े प्रश्न आएंगे और 2020 के भी वहां से विकल्प आएंगे, तो दोनों को आपको समझेंगे नहीं तब वहां पे आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों के अंतर को भी यहां पर रखने की कोशिश किया हूं। ठीक है, चलिए यह लिखा है कि एनपीई 1986 और एनपीई 2020 दोनों में अंतर। देखिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश का कुल जीडीपी का, हमारे देश के कुल जीडीपी का
1986 के शिक्षा के अधिकार के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि देश की कुल जीडीपी का 1.8% शिक्षा के विकास पर क्या किया जाता था, व्यय किया जाता था। यह पुरानी शिक्षा नीति में था, मतलब हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1986 के शिक्षा नीति के तहत हम क्या करते थे, तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हम अपने जीडीपी का 1.8% व्यय करते थे शिक्षा के ऊपर, जो अब बढ़ाकर नई शिक्षा नीति 2020 में विकास पर अर्थात शिक्षा के विकास पर इसे बढ़ाकर जीडीपी का 6% कर दिया गया है। तो यह भी बात आप ध्यान रखें, तो इसमें 1.8% था अर्थात 1.8% जो बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 6%। समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि 1986 में स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया गया। जैसा आप जानते हैं कि 10+2 मॉडल को अपनाया गया था, और 10+2 मॉडल क्या था इसकी चर्चा करते हैं। इसमें यह बताया जाता था कि शुरुआत के 10 साल, मतलब शुरुआत के 10 साल तक जब बच्चे की 6 से 16 साल की एज होती थी उस समय औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। कैसे शिक्षा, औपचारिक शिक्षा दी जाती थी, जो कि अगले उसके 2 साल बाद जब बच्चे की उम्र 16 से 18 साल हुई तो वहां पर स्ट्रीम एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी हमारे 1986 के शिक्षा नीति में। अब यहां से हम समझेंगे स्ट्रीम एजुकेशन क्या है। देखिए अगर हम स्ट्रीम एजुकेशन की बात करें तो आप भली बात ही समझते होंगे, जब आप 11वीं में जाते थे तो वहां पर आपको वर्ग चुनना पड़ता था। वर्ग चुनने का मतलब यह हुआ करता था, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप आर्ट नहीं ले सकते, अगर आप साइंस लेते हैं तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, मतलब वहां विषय चुनना पड़ता था। साइंस में अगर आप मैथ लेते हैं तो आप बायो नहीं पढ़ सकते थे, अगर आप आर्ट ले लिए हैं तो साइंस नहीं पढ़ सकते थे। तो इसी शिक्षा को हम स्ट्रीम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्ट्रीम एजुकेशन का तात्पर्य यही था कि जो हम 11वीं में जाते थे, 11वीं में तो हमें वर्ग चुनना पड़ता था और वर्ग के अनुसार हम पढ़ाई करते थे। तो यह हमारी 1986 की शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया था। अब क्या है, इस बार जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, इसमें शैक्षणिक मॉडल 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है, जो कि के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में यह मॉडल को अपनाया गया था। ऐसा के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश की गई थी, जिसे केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार किया है। अब हम बात करेंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर 5 इयर्स का मतलब यह है कि शुरू के 5 साल में एक्चुअल में जब बच्चा 3 से लेकर 8 साल की एज में होता है तो उसे फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से उसे क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं शिक्षा दी जाएगी। फाउंडेशन कोर्स का तात्पर्य यहां से यह है कि उसको प्रैक्टिकली शिक्षा दी जाएगी, और शुरुआत में जो बच्चा होगा वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेगा, मातृभाषा में, या तो कहीं कहीं स्थानीय भाषा में भी शिक्षा ले सकता है। स्थानीय भाषा का तात्पर्य होता है कि वह बच्चा जिस भी क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उस भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया। 5 साल के बाद अगले 3 साल अर्थात जब वो 9वीं से 11वीं में जाता है, सॉरी 9वीं से 11वीं, जब 9 से 11 साल की उसकी एज होती है उस एज में उसे प्रिपरेटरी शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगले 3 साल की बात करें, जब बच्चे की एज 12 से 14 साल होती है तो 12 से 14 साल में उसे मिडिल शिक्षा दी जाएगी, यह बात भी आपको ध्यान रखना है, मिडिल शिक्षा का यहां प्रावधान किया गया है। और अगले 4 साल की बात करें तो जो 4th ईयर्स है उसमें 15 से 18 साल की जब उसकी एज होती है तो उसे सेकेंडरी शिक्षा दी जाती है, यह बात आप भी ध्यान रखिएगा। तो यह 5+3+3+4 का तात्पर्य यहां से है। दोनों में एक बेसिक अंतर है, उसे आप समझिएगा। तो मैंने आपको यहां पे दोनों में अंतर समझा दिया कि पहले क्या थी और इसके बाद यहां से स्ट्रीम शिक्षा को समाप्त कर दिया गया है। स्ट्रीम शिक्षा का तात्पर्य यहां से कि अब 4 साल में अगर आप करते हैं तो वहां पे अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपको कहीं ना कहीं 4 साल का ग्रेजुएशन के लिए आपको जो ग्रेजुएशन होगा वो अनिवार्यतः 3 या 4 साल का होगा। आप चाहे तो 3 साल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 4 साल भी कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए, अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उस 1986 की शिक्षा नीति में जहाँ 10+2 के मॉडल को अपनाया गया था, वही जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया है। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे की चर्चा करें तो इसके पहले का जो चीजें मैंने लिखा था, वो शायद अगर आप नहीं लिखे होंगे तो पीछे थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। उसके बाद का मैं पॉइंट यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। लिखा कि 8 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए, एज कितना है 8 वर्ष, 8 वर्ष तक की आयु के छात्रों के लिए प्रारंभिक बचपन बाल देखभाल शिक्षा के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा होगी, उनका सिलेबस कैसा होगा, उनके पाठ्यक्रम में किन-किन चीजों को शामिल किया जाएगा, ये तैयार करने की जो जिम्मेदारी होगी वो एनसीईआरटी की होगी। ये बात आप थोड़ा ख्याल करिए, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो यहां से एनसीईआरटी थोड़ा याद रखिएगा, 5th कक्षा तक के छात्रों को शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या घरेलू भाषा में दी जाएगी। अभी मैंने बताया कक्षा 5 तक के बच्चों को हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 2020 की है उसमें उन्हें जो शिक्षा देंगे वो मातृभाषा में होगी। मातृभाषा जैसे हमारी हिंदी है, स्थानीय भाषा जो होती है, जैसे हमारे राज्य में जो स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, या तो जो घरेलू भाषा है उसमें शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान करता है हमारी नई शिक्षा नीति। कक्षा 6 से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी तथा इंटर्नशिप की फैसिलिटी दी जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग का मतलब होगा कि उनको कंप्यूटर से सिखाने सी बात है, साथ साथ उनकी हॉबीज, उनकी जो हॉबीज है उन हॉबीज को विकसित करने के लिए वो किसी के पास जाकर वो सीख सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी उनको प्रदान की जाएगी। कक्षा 6 से छात्रों को, मतलब कक्षा 6 से ऊपर के। आगे कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिससे कोई छात्र यदि पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो उसे सामाजिक जीवन जीने में कोई कठिनाई न हो। कहने का मतलब है कि कक्षा 6 से उन्हें कहीं ना कहीं व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। अगर बच्चे की घर की स्थिति सही नहीं रही, या तो मान लो कि बच्चा बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, तो छोड़ने के पश्चात वो अपने जीवन पर्यंत कभी भटकना उसको ना पड़े, साथ साथ वो किसी भी समय में व्यावसायिक शिक्षा अगर ग्रहण किया रहेगा तो वह अपने जीवन को जी सकता है, अपने घर परिवार को चला सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है कक्षा 6 से ऊपर के बच्चों को। लिखा कि 9वीं और 12वीं कक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा तथा स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। सेमेस्टर का मतलब है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जो आप देखते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उन 2 परीक्षाओं को अगर हम ध्यान दें तो सेमेस्टर वाइज होगा। प्रथम सेमेस्टर का जो उसका नंबर होगा, दूसरे सेमेस्टर का जो नंबर होगा उसे जोड़कर टोटल नंबर उसे दिया जाएगा। वैसे अगर हम आगे की बात करें 11वीं में, तो वही सिस्टम होगा कि 11वीं में उसको 2 एग्जामों से गुजरना पड़ेगा, एक आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 11 से 12 में उसको 4 सेमेस्टर होंगे और उन सेमेस्टरों के जो नंबर होंगे वो टोटल उसके फाइनल ईयर सेमेस्टर में इंक्लूड करके उसे दिया जाएगा। ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम कराने की नई शिक्षा नीति में पहल की गई है। साथ साथ स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त, अभी स्ट्रीम सिस्टम का मैंने बताया कि जो बच्चे 11वीं की परीक्षा देते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता था कि वर्ग चुनना पड़ता था, अब उन्हें वर्ग नहीं चुनना पड़ेगा, ये सिस्टम अब समाप्त कर दिया गया है। ये बात आप थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। लिखा है कि ग्रेजुएशन कोर्स जो पहले 3 वर्ष का था वह अब 3 या 4 वर्ष का हो जाएगा। ये मैं आपको 3 या 4 की बात कर रहे हैं, तो 5+3+3+4 लास्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब जिसमें पहले वर्ष, यहां से समझिएगा, कुछ ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो कि मान लो कि बीए कर रहे हैं तो बीए में फर्स्ट ईयर में ही पढ़कर छोड़ देते थे तो उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इनके लिए थोड़ी अलग व्यवस्था की गई है, उसे ही आज समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, जिसमें पहले वर्ष में बच्चा अगर पहला वर्ष ही बीए करता है, अगर वो छोड़ देता है तो
उसे क्या होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब उसने फर्स्ट ईयर किया है तो उसे सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। यदि वह दूसरा साल करता है, 2 साल बाद छोड़ता है, तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, दूसरे साल में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वो 3 साल पूरा करता है तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। लेकिन 3 साल बाद भी अगर वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है तो 4 साल पूर्ण होने पर उसे संबंधित विषय से रिसर्च सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। ऐसी पहल की गई हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT हो गए, इन ऐसे उच्च शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संस्कृत को बढ़ावा देने की बात करती है हमारी नई शिक्षा नीति। अगला पॉइंट समझे तो, नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त किया गया। MPhil का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलोसफर। कहीं ना कहीं आपको पता है कि PhD करने से पहले आपको MPhil करना पड़ता था, MPhil करने वाला ही व्यक्ति PhD कर सकता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में MPhil को क्या कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं नई शिक्षा नीति पर। इसमें लिखा है कि आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि यूनिवर्सिटी रिसर्च पर अत्यधिक फोकस करे। आपको पता है कि जो भी कॉलेज होते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी से मान्यता लेनी पड़ती है, और जिस यूनिवर्सिटी से मान्यता लेते हैं वहां यूनिवर्सिटी ज्यादा व्यस्तता इसमें हो जाती है, उसका ज्यादा समय कॉलेजों के पेपर कराने, शेड्यूल जारी करने में ही निकल जाता है, जिससे यूनिवर्सिटी अपने पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे सिस्टम को अब समाप्त कर दिया जाएगा, कॉलेज को अलग से मान्यता मिलेगी, यूनिवर्सिटी को थोड़ा स्वतंत्र किया जाएगा, और यूनिवर्सिटी जब स्वतंत्र होगा थोड़ा रिसर्च पे वो ध्यान देगा। इसलिए यूनिवर्सिटी के लोड को कम करने के लिए जो कॉलेज आपके मान्यता लेते थे यूनिवर्सिटी से, उसे क्या होगा अब मतलब यूनिवर्सिटी से जो मान्यता थी अब उसे थोड़ा अलग कर दिया गया, और यूनिवर्सिटी के काम को या उसके जो लोड को कम कर दिया गया, कि जिससे वो रिसर्च पे थोड़ा ध्यान रख सके। ठीक है, तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति मैंने आपको यहाँ लिखकर भी समझाया, और कोशिश करेंगे आप लोग यही कोशिश करिएगा कि इसे आप विधिवत तरीके से अपनी कॉपी पर लिख लें, और जब भी आपका पेपर हो एक बार आप अच्छे से पढ़ लें। अगर उस समय कोई डाउट हो तो एक बार लेक्चर आप जरूर देख लें, जिससे कि आप एक नंबर आप पक्का कर सकते हैं। और आपको पता है कि आने वाले एग्जामों में आपको यहां से प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे, जो कि आपको पता ही है कि ऐसे प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पिछले शिक्षा नीति से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया। ठीक है, हम आशा यही करते हैं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार से अगर समस्या होती है तो आप अपने सुझाव को या अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।